इस बीच जेडीयू विधायक आनंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में उनके घर पर चले घंटों के सर्च वारंट के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी और पूरा मामला सामने आने के बाद बिहार में आरजेडी जेडीयू की नई सियासी दोस्ती पर संकट के बादल छा गए हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने कार्रवाई के लिए नीतीश सरकार को बधाई दी है। अपराध की अनंत कथाओं के नायक फिलहाल बाढ़ अपहरण और हत्याकांड की कथा में धर लिए गए हैं। पटना में पुलिस उन्हें विधायक आवास से कानून प्रवास की ओर ले जा रही थी तो समर्थकों ने संग्राम छेड़ दिया, गाड़ी के आगे अड़ गए। इससे पहले बाढ़ हत्याकांड की आंच में अनंत जलने लगे तो बिहार पुलिस दलबल के साथ बाहुबली विधायक के घर पहुंची और फिर छोटे सरकार के घर के चप्पे चप्पे तलाशे जाने लगे। पटना के नए SSP खुद सर्च वारंट की मशाल थामे थे। सर्च वारंट और अनंत सिंह की गिरफ्तारी से पहले ही RJD और JDU की नई सियासी दोस्ती को करंट लग चुका था। चूंकि बाढ़ में अपहरण और हत्या की जांच RJD ने एक टीम भेजकर कराई थी, इसलिए RJD ने फौरन अनंत सिंह को गिरफ्तार करने की मांग उठा दी। सिंह ने इस मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया है। कहते तो वो ये भी हैं कि भला चुनाव से पहले ऐसा क्यों करेंगे। राजू सिंह पर केस किए थे, हमारा हुंका से कुछ हो गया था बात विचार कि आप केस कहने ठीक करते हैं टू आप पैसा ले लेते टू नहीं करते थे, हमारा दोनों कुछ बकझक हो गया था एक दिन मोबाइल पर। उसके बाद तहिया के बाद हम आपको गढ़ में रहते हैं, अभी मौका मिला उनका तो गांव लादमा हमारा है तो गांव में तो दुश्मन भी हमारा है, गांव तो हमरे नहीं है। 11 साल से हम गांव छोड़ दिए, शादी में अपने गांव गए थे, गांव से कोई रिश्ता नहीं होता है। इलेक्शन का टाइम है तो मैंने हाथियाँ हम ही उठवा के अपना गाँव में कराते। अब अगल बगल हमको बुद्धि नहीं था, मैंने ये बुद्धि था अपना गाँव में काटेंगे घर भी तो हमारा पूरा जनता वोट देंगे। लेकिन बाढ़ हत्याकांड का एक बड़ा मुद्दा जाति है। मारा जाने वाला लड़का जाति से यादव था। RJD के वोट बैंक का सीधा हित इस मुद्दे से जुड़ा है। उधर अनंत सिंह जाति से भूमिहार हैं, इसलिए लालू और नीतीश की मजबूरी की मित्रता के सामने पार्टियों के जाति का जंजाल है। लेकिन फिलहाल लालू इस कार्रवाई के लिए नीतीश का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं और पटना आईजी को इनाम है उसका, पटना आईजी के कुंदन कृष्ण। और ये अपराधी 6 अपराधी और तुरंत नीतीश कुमार ने सबको गिरफ्तार कराया। मैं टेलीफोन से परसों नीतीश कुमार से बात किया, ये सारे लोग आए हुए हैं आरास्ता फासला, ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। उधर BJP ने हथौड़ा जमा दिया है। तारीफों के पोस्टर से पटे प्रदेश के मुखिया के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अनंत कांड से बिहार की सरकार सवालों के घेरे में है और नई सियासी दोस्ती की फसल पर राजनीतिक अकाल की छाया पड़ गई है। दिखाया ये जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुद्दा इतनी आसानी से नहीं ठंडा पड़ने वाला है। कुमार अभिषेक के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।